الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. برادران محترم, सूरह आले इमरान की एक आयत की मैंने तिलावत की. इस आयत करीमा का मफहूम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाया और ये अल्फाज कहे हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह का एक बहुत ही बड़ा करम है और अल्लाह की आप पर एक बहुत ही बड़ी रहमत है. लेन तला उनके आप लोगों के लिए नरम बहुत. वलौ कुंत फज़्ज़न ख़लीज़ल क़ल्बि लन फज़ू मिन हौलिक. ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सख्त दिल होते तो लोग आपसे पूछता. फ़ाफ़ अन्हुम वस्तग़फिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र. अब आप इन लोगों को माफ कर दीजिए, इनसे दरगुजर फरमाइए, अपने मशवरों में इनको शरीक कीजिए. फैसा आजम तफतवक्कल अल्लाह. फिर जब आप एक पक्का इरादा फरमा लें तो अल्लाह पर तवक्कुल कर लें. अल्लाह मुतवक्किलीन को पसंद फरमाता है. बरादरान मोहतरम, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में हजार पहलू हैं. जिस पहलू को हमने बहुत नजरअंदाज किया है वो इंसानों के साथ अल्लाह के नबी का नरमी वाला सुलूक, वो अल्लाह के बंदों के साथ इनके सारी से पेश आना, वो अल्लाह के बंदों के काम करने, ये वो अमली नमूना था मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. जैसे सरकश अरबों की गर्दनें दुरुस्त हो गई और उनमें वो सारी सरकशी तकब्बुर और गुरूर वो सब खत्म हो. उन्होंने देखा कि कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत, उनका अंदाज तकल्लुम कैसा है, आप में कितनी इंकिसारी है. तीनों दुनिया में सबसे बड़ी शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इनके सारी इतनी कि हर वक्त अपने घर वालों के काम करते हैं, लोगों के काम करते हैं, कौमी काम करते हैं, हर एक से नहायत नरमी से पेश आते हैं, कभी जुबान मुबारक से सख्त अल्फाज कभी निकले नहीं. इंसान को महज़ब बनाने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है वो है अनानियत, तकब्बुर, नखवत, उजब, अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती ख्याल करना. इनसे इंसानों का दिमाग बिगड़ जाता है. आदमी जब अपने आप पर गौर करता है, अपनी मुआशी हालत को देखता है, सियासी हालत को देखता है
उसके दिल में एक घमंड पैदा हो जाता है कि मैं कॉमन आम लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं एक बड़ी शख्सियत हूँ। इसलिए वो तहजीब नफ्स जो इस्लाम ने लोगों में पैदा फरमाई थी वो खत्म हो जाती। और अगर तवज्जो ये रहे कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तबीयत कैसी थी, नरमी कैसी थी, किस तरह लोगों के साथ मुलायमत से पेश आते थे, लोगों से मिलते कैसे थे, आओ भगत कैसे करते थे, मेहमानों की तवाज़ो कैसे फरमाते थे, घर वालों के काम काज में शरीक कैसे होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी जो सबक हमको देती है वो यही है कि इंसान इंसानों के काम आए, दिल आजारी की बात ना करे, ना हाथ से करे, ना जुबान से करे, बल्कि लोगों के लिए एक मुमित मुआविन हो, सबके काम आए। जब इंसान लोगों के काम आएगा तो तकब्बुर नखवत दिल में नहीं रहेगा, आदमी में मिस्कीनी पैदा होती है, तवाज़ो पैदा होती है। अपने काम घर के अपने हाथों से करने से, लोगों के काम अपने हाथों से करने से तो बड़ाई का ख्याल ही पैदा नहीं होता, आदमी में तो इनके सारी पैदा हो जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी लोगों के साथ मिलते अंदाज ये होता, सबकत फरमाते सलाम कहने। और अगर कोई आदमी अपना हाथ हजूर के हाथों में दे देता, छुड़ाने में पहल ना फरमाते, ये ना समझ ले कि मैं बहुत अजीम हस्ती से हाथ मिला लिया अब फौरन छोड़ दिया, नहीं, उसको ख्याल ही नहीं पैदा कभी होने दिया कि वो सोसाइटी का कम तर आदमी है, कितना ही छोटा आदमी हो मुआशरे का, कितना ही बड़ा आदमी हो, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक के साथ बर्ताव इनके सारी पर मबनी था, तवाज़ो पर और आजजी पर मबनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पुकारता बाई नेम, नाम लेकर, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात करके मुखातब करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबन लब्बैक कहते कि भाई मैं हाजिर हूं, क्या बात है। कोई और लफ्ज नहीं बोलते थे दौराने गुफ्तगू, किसी आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब की जवाबन, तो आदमी कह देता है सुन रहा हूं, बताओ क्या बात है। नहीं, जब कभी किसी ने मुखातब किया, जुबान मुबारक से अल्फाज यही निकले, लब्बाई, ऐ मेरे भाई मैं हाजिर हूं, क्या कहना चाहते हो। आप फरमाएं, हर एक की दिलजोई फरमा देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को मुखातब हो, किसी से मुखातब हो, तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाते जिससे उस आदमी की दिलजोई हो और उसकी इज्जत अफजाई। अरब लोग कुनियत के नाम, कुनियत बाप का नाम, जैसे इस तरह के नाम इज्जत वाले बोलते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनियत के साथ दूसरे को पुकारते, क्या अबा फुला, ए फुला के वालिद, यानी ऐसा अल्फाज का इंतखाब फरमाते जिसे उसकी दिल जोई हो, वो अपने आप को ज्यादा मुअज्जज ख्याल करे और उसमें कम तरी की बात खत्म हो जाए। इंसान को राह रास्त पर रखने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि उसमें जज्बा खिदमत हो और हाथ से काम करना उसको आता। हमारे यहां दस्तूर ये है, बहुत थोड़ा पढ़कर को बच्चा मुलाजिम हो जाए, साहब बहादुर बन जाए। हम में से कोई कारोबारी कुछ पैसे घर में लाना शुरू कर दे, वो मखदूम बन जाता है। हमारे यहां बहुत छोटा मौलवी वो तवक्को रखता है लोग जूते सीधे करें, उसके अमामा को माया लगवा कर लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन था, कभी लोगों से इस किस्म की खिदमत में खिदमतें नहीं की, हर एक वक्त लोगों की खिदमत के लिए मुस्तैद रहते। ये खिदमत का जज्बा, हाथ से काम करना, जाती घर वालों का, मुसलमानों का, हमसायों का, ममलकत का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही। जब आप बहुत कम सिन बच्चे थे, हदीस शरीफ में आता है वो जिस वक्त आपके तहमत आपके चचा ने उतार दी थी, हरम मिस्मार हो गया था, लोग उठा उठा कर पत्थर लाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बचपन में पत्थर लाकर छोटे छोटे अपने अजीज व अकारिब को देते थे कि तमीरे हरम में मेरा हिस्सा भी पड़ जाए।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत आपने फरमाई है, आप कुबा की बस्ती में गए हैं, तो तामीर मस्जिद में सबसे बढ़कर काम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर कुबा से मदीना शरीफ शहर में आ गए, मस्जिद नबवी की आपने बुनियाद रखी, उसकी सफाई में, उसकी तामीर में वो सबसे ज्यादा काम खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक के साथ किया। अब जो आदमी दस्ते काम कर रहा है, पढ़ाई का, अंदेशा का, आप सब काम खुद ही अपने हाथ से कर रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान आ जाते, दस्ते मुबारक से उनकी तवाज़ो फरमा। एक हदीस शरीफ में है कि हबशा का एक वफ्द मदीने शरीफ में आया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे मेहमान। अब अल्लाह के नबी फरमा दे मेहमान मेरे हैं, सारा मदीना ही मेजबान हो गया कि हम हाजिर हैं इनकी खिदमत के। फरमाया नहीं, मेरे सहाबा हबशा में गए थे, इन लोगों ने मेरे सहाबा की खिदमत की थी। फरमाया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीजा है कि इन सब मेहमानों की तवाज़ो कर, अपने दस्ते मुबारक से उनके खाने पीने की चीजें आगे रखते थे, उनकी तवाज़ो फरमाते, उनकी आओ भगत फरमाते। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की, दूर दराज के रहने वाले लोग, आपने उनको लोगों के रहम व करम पर नहीं छोड़ा, बल्कि खुद उनकी तवाज़ो फरमाते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी दोस्तों के साथ तशरीफ ले जाते, जैसे कि इकट्ठे जा रहे हो किसी जंग जदल के लिए या वैसे किसी तफरी के लिए जा रहे, तो ये कोशिश कभी ना फरमाते कि सब लोगों की तवज्जो मेरी तरफ ही हो। एक हदीस में आता है कि जब चलते अजनबी पूछते क्या ही ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें से मोहम्मद कौन है, नुमाया ही नहीं होते थे, अपने आप को लोगों से गोल मिला कर रहे। कई दफा ऐसा होता मस्जिद नबी में मुसाफिर आते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में मौजूद होते, लेकिन कोई इम्तियाज नहीं था कि बहुत बड़ी जगह पर बैठते, लोगों ने घेरा डाला हुआ होता, हल्के बनाए हुए एक आम जगह पर बैठ जा। अजनबी पूछता कि वो गौहरे मकसूद कौन है जिसको मिलने के लिए आया, आई ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से मोहम्मद कौन है, फिर लोगों को बताया जाता है ये, यानी ये तवाज़ो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में आता है सहाबा के साथ गए तो रास्ते में उन्होंने फैसला फरमाया कि हम यहाँ खाना पकाएं, खाने का इंतजाम सहाबा ने शुरू कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के कहीं चले। सहाबा को गुमान हुआ कि शायद कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। थोड़ा वक्त गुजर गया, एक लकड़ियों का कट्ठा सर मुबारक पर उठाकर ले आए और आकर सहाबा के पास पेश कर दिया। उन्होंने बहुत हैरानी का इजहार किया, नदामत का, और फरमाया हमें हुक्म दिया होता हम खुद उठाकर ले आते, मैं क्या अपने खाने में मुझे शरीक नहीं करोगे, अगर मैं खाने में शरीक हूं तो मैं खिदमत में शरीक क्यों नहीं, ये इस काम में फिर मैं मुझे क्या बात है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब काम लोगों के भी और अपने भी अपने हाथों से करते थे, हाथों से काम करने की सुन्नतें किधर गई। माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम काज मेरे साथ करते थे, उसमें सफाई, खाना पकाना, फरमाया अगर मेहमान ज्यादा आ जाते नौकर के साथ मिलकर, खादिम के साथ मिलकर आटा गूंथ देते, और अगर कोई जूता होता काबिले मुरम्मत अपने दस्ते मुबारक से उस जूते को मुरम्मत फरमा देते, मशकीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फट गया, आवाज देते सब लोग नए मशकीजे ले आते, अपने दस्ते मुबारक से उस मशकीजे की मुरम्मत फरमाई जिसमें पानी भरकर लाया जाता था। एक सफर में थे कि जूते का तस्मा टूट गया, जिस सहाबी ने देखा लपका कि मैं ठीक है, पर मैं नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने हाथों के साथ दुरुस्त फरमाए। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी उम्र का यही अमल रहा कि अपने हाथों के साथ काम काज करना, घर वालों की इमदाद करना, न सिर्फ घर वालों की, अहले महल्ला की, अपने इलाका के लोगों की, घर से निकलते हर एक से पूछते जाते,
हर एक की तकलीफ को रफा करते जाते, जुबान से किसी को तस्कीन दिला देते, किसी का काम खुद करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो भी इस खिदमत शारी को एक फरीजा समझते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला को वो सरकारी ऊंटों को आटा घोलकर पिलाते थे, सरकारी ऊंटों के ऊंटों और घोड़ों की मालिश करते थे। हेड ऑफ द स्टेट होकर अपने हाथ से कौमी खिदमत करना। ईरानियों का एक वफद मदीने शरीफ में आया, उन्होंने पूछा अहले मदीना से कि अइना मलिक, वो तुम्हारा बादशाह किधर है? उन्होंने कहा हमारा कोई बादशाह नहीं, बल्लना अमीरुन, हमारा तो एक अमीर है। उसने पूछा किधर है अमीर? मैं ऊंट चराने इस तरफ गया। ईरानी सफीर वहां पहुंचा, ऊंट चर रहे थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गरम जमीन पर लेटे हुए थे, इर्द गिर्द की जमीन पसीने से तर हो गई थी। ईरानी हैरान हो गया, उसने कहा ऐ बादशाह, जो हल मलिक ऐ बादशाह, और तू इंसाफ करता है, आराम में है, हमारे बादशाह इंसाफ नहीं करते, महल्लात के अंदर भी उनको नींद नहीं आती। और जब वो उठे फारिग हुए तो सरकारी ऊंटों की मालिश करने लगे। लोग आए कहने लगे हम जो हाजिर हैं, फरमाया मुझसे बड़ा मुसलमानों का मजदूर कौन, मुझसे बड़ा खादिम कौन, ये काम तो खुद मैंने अपने हाथों के साथ करना है। सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हेड ऑफ द स्टेट बने, जिस दिन अमीर उल मोमिनीन बन गए, उस दिन बाद यतीम बच्चे उनके घर आए थे और कहने लगे ऐ अबू बकर, अब तो आप अमीर उल मोमिनीन हो गए हैं, हम कम सिन छोटी उम्र के यतीम बच्चे हैं, पहले तो आप हमारी बकरियों का दूध दो जाते थे, आज हमारी बकरियों का दूध कौन दोएगा? फरमाया अबू बकर, जितना सा ढाई बरस के करीब मुसलमानों के अमीर रहे, जो फरीजा अपने ऊपर आयद किया हुआ था लोगों के काम करने का, आखिरी वक्त तक करते रहे, कभी किसी को काम नहीं कहा जो खुद अपने दस्ते मुबारक से कर सके। हदीस में आता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि मस्जिद नबवी के मेन गेट के सामने कुछ घर हैं, ये यतीम बच्चे और बेवा औरतें इन घरों में रहती। इस्लाम के इब्तदाई दौर में बड़े लोग शहीद हो गए, जंगे बदर में 14 शहीद हुए, जंगे उहद में 70 सहाबा शहीद हो गए, बाद जंगों में एक जंग में जो मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ हुई थी 700 सहाबा शहीद हो गए, ये बेवा औरतें थी। तो हज़रत उमर कहते हैं मुझे ये ख्याल गुजरा कि मैं इन औरतों का पानी भर दिया, इसलिए कि देरे उस्मान तो बहुत दूर है, ये बेवा औरतें ये अपने पानी का इंतजाम कैसे करती होंगी। फरमाने लगे मैं उनके घर गया तो उनके बर्तन पानी के भरे हुए। फरमाते हैं मैंने कहा चलो कल फजर की नमाज से पहले आकर दे दूंगा। तो नमाज फजर से पहले गया तो पानी सारे बर्तनों में भरा हुआ। मैंने पूछा और कौन तुम्हारे बर्तनों का पानी भर जाता है? फरमाने लगी अबू बकर इशा पढ़कर ही भर जाते, कि शायद इन औरतों को पानी की तलब हो, ये कहां आधी रात को इतनी दूर जाकर पानी लाए। यानी ये उन लोगों का तर्ज अमल है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशी, यानी वो मुसलमानों के अमीर, बड़ी बड़ी बादशाह थे, उनके नाम से कांपती थी, लेकिन इतनी इंकसारी और आजजी कि अल्लाह के नबी ने जो उनके दिल में बात दी, पढ़ाई का कभी ख्याल ही नहीं गुजरा। आज हर आदमी उनकी पढ़ाई का मोतरिफ है, ये पढ़ाई किस चीज की? इंकसारी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाहा औहा इलैया अन तवाज़ऊ, फरमाया मुझे अल्लाह ने ये वही की है कि मैं तवाज़ऊ इख्तियार करूं, आजजी और इंकसारी इख्तियार। फरमाया जिस आदमी में इंकसारी और आजजी हो, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा कर देते हैं, फरमाया अगर ना हो तो उसकी इज्जत कम हो जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नरमी जिस चीज में हो वो उसको जीनत दे देती है, नरमी जिस चीज से घटा ली जाए वो उसकी जीनत को खराब कर देती। ये लेकिन ये नरमी मुसलमानों की बाहमी नरमियां हैं, ये काफिरों के साथ सलूक नहीं, जो अल्लाह के दुश्मन हो उनके साथ कुरान का ये रवैया नहीं।
النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما واهم جهنم. فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمنوں سے لڑ جائیے اور ان سے سختی کے ساتھ پیش آئے. ہم دشمنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہم نے سیکھ لیا ہے اور اپنوں کے ساتھ ہم بہت سختیاں کرتے ہیں. ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ رویہ ہمارا بڑا دوستانہ اور بڑا اچھا ہوتا ہے. گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ فرعونیت پر مبنی ہوتا. یہ ہماری انفرادی زندگیاں بھی ایسی ہیں، اجتماعی بھی ایسی ہیں، قومی بھی ایسی ہیں، سرکاری بھی ایسی ہیں. کیا ہم اغیار کے ساتھ بہت نرم سلوک، بڑا مہذب، بڑا سویلائزڈ اینڈ کلچرڈ، اور جہاں اپنے گھر کا ماحول ہو وہاں فرعون بنے ہو، اہل محلہ کے سامنے بہت بڑی شخصیت ہم بن جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساری اور عاجزی کا سبق لوگوں کو دیا تھا کہ سب اپنے گھر کے کام کاج خود دیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں عورتوں کی سردار. وہ گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا، کم سن بچے تھے، وہ بچے پریشان کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ آپ کے پاس غلام آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کوئی دے دے. وہ فرمایا ابھی تو ہے علی، ابھی تو اصحاب بدر باقی ہیں. بدر کے صحابہ 313 تھے، ان سب کو ابھی غلام نہیں دیے گئے، تو میں تم کو کیسے دے دوں. وہ بدر میں تو ہرابر رستے میں خود علی تھے. جب اہل بدر کا میں مقابلہ ہوا، حمزہ اور علی تو باہر نکلے، انہوں نے نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدری تو میں بھی ہوں، آپ مجھے بھی ایک غلام دے دیں. بیٹی گھر آئی تو آ کر اپنے ہاتھ دکھا، چکی چلا کر مشقت کر کے ہاتھ پر چھالے پڑے. فرمایا اے بیٹی اور یہ تسبیح پڑھا کرو، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتا دیا، نہ جاؤ کام اپنے ہاتھ کے ساتھ کرو، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں تھکاوٹ سے دور فرما دے، کوئی تھکاوٹ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام حضور کر دیتے تھے، چلو جی نام پر ہی لوگوں میں ہو جائے گی کہ آپ نے فلاں کام کیا فلاں کیا. بڑے بڑے کام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، میدان جنگ میں سب سے بڑھ کر کون دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب ہم تھک جاتے تھے حضور کے قریب ہو جاتے تھے، تھوڑی سی تھکاوٹ اتر جائے، حضور دشمن کے سامنے ڈٹے ہو. جب یہ خندق کھودنی شروع کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب دشمن بہت بڑی تعداد میں حملہ آور ہو جائے تو اہل فارس رومیوں کا مقابلہ کیسے کر. انہوں نے فرمایا ہم خندق کھود لیتے تھے تاکہ دشمن کو راستے میں روک لیں، کراس کر کے آگے نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کر، آپ نے اہل مدینہ میں وہ خندق کا راستہ متعین کیا تقریباً 3.5 میل اور 10 گز چوڑی خندق کو کھودنے کا حکم دیا. آپ نے تقسیم کار، ڈویژن آف لیبر، 10-10 15-15 کا گروہ بنا دیا کہ اتنا اتنا فاصلہ تم نے خود یہ کھودنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی کھودنے میں مصروف، جتنا صحابہ کو کام دیا تھا اس سے بڑھ کر اپنے ذمہ لیا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجس پڑھتے تھے، یہ جنگی شیر پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین. اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی، تو انصار و مہاجرین کو بخش دے، تو ہی ان سب کے کام کار تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں وہ جتنی خندق آئی تھی، وہ اس میں سے ایک چٹان ایسی نکل آئی کہ وہ ٹوٹتی نہیں. انہوں نے بڑی کوشش فرمائی، بڑے صحابہ نے زور لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ وہ ایک چٹان حائل ہو گئی ہے، وہ نہیں ٹوٹتی. آپ فرماتے میں خود تھکا ہوا ہوں، جاؤ توڑو،
ये तो तुम्हारे हिस्से की चट्टान है, मेरे हिस्से की तो नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदाल लेकर तशरीफ ले, जोर से एक कुदाल मारी तो ये आयत पड़ी, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकम वअदल। फिर दूसरी मारी, फिर उसमें दरारें पैदा हो गई। तीसरी कुदाल मारी तो ये पड़ी, पूरी आयत पड़ी, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकम वअदल ला मुबद्दिल लिकलिमाती वहुव समीउल अलीम। वो सारी पांच पांच हो, वो सारी चट्टान टूट गई रेसा रेसा, यानी मुश्किल से मुश्किल काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इख्तियार। हजरात मुख्तरम, तहजीब नफ्स के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के, अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा अमल क्या है? इंकसारी आजजी। ये इंकसारी अल्लाह के दरबार में नहीं है, वो कोई चीज पसंद होती है जो जहां ना हो। अल्लाह के पास कहां आजजियां हैं, इसलिए अल्लाह को ये पसंद है। ये आजजी पैदा कैसे हो? अपनी चाल से, अपनी गुफ्तार से, अपने अमल से। चलना हो तो पुरानी मजीद ने फरमाया है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अल-अर्ज़ हौना वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। तो मैं बड़े आहिस्ता खराम मेरे बंदे चलते हैं अल्लाह की जमीन पर, और लोगों से, जाहिलों से मुखातब ही नहीं होते, गुफ्तगू कैसी फरमाते। फरमाया भला तू सायर खतक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा। तो मैं गाल फुला फुला कर लोगों से गुफ्तगू ना किया करो कि तुम बड़े लो और न जमीन पर आकर कर चलो। वो नरम गुफ्तगू करने का शरीयत में हुआ, न जुबान फुला फुला कर क्या करते हो, इंसान है क्या? एक जगह आता है, लन तहरिक अल-अर्ज़ वलन तबलुग अल-जिबाल तुला। और तुम्हारा अकड़ कर चलना क्या है? क्या तुम अल्लाह की जमीन को फाड़ सकते हो? क्या बुलंदी में पहाड़ जितने ऊंचे हो सकते हो? मैं ये टाइनी छोटा सा इंसान है क्या? इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर इंकसारी और आजजी इख्तियार करेगा, अल्लाह इसका रुतबा बढ़ा देगा, उसकी इज्जत अफजाई होगी। आज कौन फिरौन की इज्जत करता है? नमरूद, हावान, उबई बिन खल्फ, ऐसे जितने नाखल्फ लोग गुजरे, वो माशर्ती तौर पर सियासी लिहाज से अपने जमाने के बड़े मुमताज थे, आज किसी के दिल में उनकी इज्जत नहीं। आज एहतराम किनका है? उन बोरिया नशीनों का जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला नु फारस के गवर्नर थे, किसी ने मजदूर समझ कर सामान चुकवा दिया, उठाओ सामान। आज इसे बोले ही नहीं कि मैं तो यहाँ का गवर्नर हूं। ये है अपनी हस्ती खो दी कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जो आदमी अपनी हस्ती को फना कर दे, अल्लाह उसकी बहुत इज्जत अफजाइयां फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम की भी नरमी की तारीफ की, फरमाया वमा कान इस्तिगफारु इब्राहिम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वादाइया फलम्मा तबर्राहु अन्नहु। फरमाया कि इब्राहिम अलैहि सलाम की तबीयत नरम थी, इसलिए उन्होंने अपने वालिद के लिए इस्तिगफार किया। फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रा मिन। फरमाया जब उनको मालूम हो गया कि मेरा बाप तो खुदा का दुश्मन था, इजहार बेजारी फरमाया है, इन्न इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम। फरमाया इब्राहिम तो बड़ा पुरजबान था, बड़ा ही नरम थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको बताता हूं कौन लोग आग पर हराम है और किन लोगों पर आग हराम। फरमाया नरम खू, नरम तबीयत के लोग, लोगों के काम आने वाले, सहल नरम खू। फरमाया आग इन पर हराम है और ये आग पर हराम। सीरत नबवी का ये पहलू गुफ्तगू में, चाल चाल में, अमली जिंदगी में, घर में, हमसायों में, बाहर एक इंकसारी की कैफियत रहेगी, उससे जो तहजीब पैदा होती है अल्लाह को वो पसंदीदा। ये अकड़ी हुई गर्दन है, इसकी कोई हैसियत अल्लाह के दरबार में नहीं है। अल्लाह सुन्नत के मुताबिक हाथ से काम करने की तौफीक अता फरमाए, घर वालों के लिए, आइज़ा और क़ारिब के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, अहले महल्ला के लिए। अल्लाह जो हेड ऑफ द स्टेट्स हों उनमें भी वो सुन्नत पैदा करने की तौफीक दे दे जो अबू बकर, उमर और उस्मान और अली ने थी। वाह।